दोस्तों, ये वीडियो है जो YouTube में एक ट्रेंड सा चल रहा है। मैंने देखा कुछ लोग हैं कुछ वीडियोस बना रहे हैं, वो थोड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं, यू नो, और शोरूम्स के साथ, कंपनीज के साथ वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं नाम तो नहीं लूँगा कुछ लोगों का, बट यू नो, आई थिंक ये व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं मेनली, कि व्यूज़ आ जाएँ, लोगों को मज़ा आता है इस तरह की चीज़ों को देखने में। बट ये ऐसा कैसे करते हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ गई इनकी इंसानियत और सारी चीज़ें। फ़र्ज़ के तौर पे अब मैं बात करता हूँ महिंद्रा की, मैं महिंद्रा के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। महिंद्रा XUV 700 एक गाड़ी है जो हमने देखा, बहुत बेहतरीन गाड़ी है, इतनी प्यारी गाड़ी है, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, इतनी प्राइस हाइक हो गई है, वेटिंग बढ़ती जा रही है और होगी भी, क्योंकि गाड़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा है, सेमी कंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है, यू नो। अब मुद्दा इसमें क्या हुआ, कुछ लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, लोग ले जाते हैं अपने आप को खुद गुंडे बन के, और भी यू नो, अब शोरूम वाले तो डरेंगे ना, उनकी गाड़ियां हैं, आप उनकी बदनामी कर रहे हो, आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, जबरदस्ती बना रहे हो, आप गलत प्रोपोगंडा चला गए। एक भाई साहब को एक गाड़ी नहीं मिली XUV 700, उनका कहना उन्होंने अगस्त अक्टूबर में कहीं बुक की थी और अभी उनकी गाड़ी नहीं आई है वहाँ पर शोरूम से। वो बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, शोरूम के मालिक बुज़ुर्ग हैं, उनको मुँह पर चोर चोर कह रहे हैं। आप बताइए क्या ये चीज़ सही है? दो तीन बार जाके वो इस तरह जबरदस्ती वीडियो बना रहे हैं, GM से बदतमीजी कर रहे हैं, GM अकेला खड़ा होगा और ये 10 लोग उन्हें घेर के बदतमीजी कर रहे हैं उन्हें, तो हारे की सारे वाली बात है, मेरे से देखा नहीं जा रहा। ये क्यों ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी किसी और को दे दी है। मैं ये बोलता हूँ कि जी हाँ, कुछ शोरूम्स में ऐसा ज़रूर पाया गया है कि वो लोग चाहे क्रेटा हो, चाहे थार हो, चाहे XUV 700 हो, कुछ एक्स्ट्रा ब्लैक मनी वो लोग लेके चार्ज करके या एक्सेसरीज आपको ज़्यादा बेच के वो गाड़ी आपको जल्दी दे देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। बट क्या ये हर लोगों के साथ सही है? सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप जाके जबरदस्ती वीडियो बना रहे हो, अरे यूट्यूबर हो आप, वीडियो बना रहे हो ठीक है, बट सर एक दायरा होता है हर चीज़ का, कहीं सिक्योरिटी एरिया, हाई सिक्योरिटी एरिया पूछ के लोगे ना वीडियो। और मैं कहता हूँ सिक्योरिटी नहीं भी हो, अगर आप उनकी जगह पे हो, मैं बोलता हूँ उनको पूरा राइट है ना। आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कहीं शोरूम में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, ऐसा नहीं कि आई कैन जस्ट ब्लडी गो एंड शूट इट, आई शुड आस्क फॉर परमिशन। ये उनका बिल्कुल राइट है, उनकी जगह पे, उनकी चीज़ की मैं कैसे वीडियो बना सकता हूँ उनके परमिशन के बिना। आप वो बना रहे हो, आप उनको हैरेस कर रहे हो, आप बोल रहे हो आपकी गाड़ी नहीं दी, आप बोल रहे हो कि किसी और को दे दी जबकि उनका नंबर था। अब सुन लो, वो कह रहे हैं कि उनकी एक गाड़ी थी जो भी ऑल व्हील ड्राइव की आनी थी, तो उन्होंने कहा कि इन्हीं की एक बुकिंग थी और किसी और को दे दी। अब आपको मालूम होगा महिंद्रा की साइट बुकिंग के दौरान क्रैश हो गई थी XUV 700 की। कुछ लोग बुकिंग से पहले शोरूम में जाके अनऑफिशियली ऑनलाइन ही ऑफलाइन बुकिंग कर दी थी, क्योंकि बुकिंग ऑनलाइन मेल नहीं हो रही थी, ऑफलाइन उन्होंने काफ़ी पहले बुकिंग कर दी थी। अब जो सज्जन है वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी आनी थी, उन पे बहुत तोहमतें लगाई, आरोप लगाया। अब GM साहब ने दिखा दिया कि उससे पहले एक गाड़ी और थी, एक और बुकिंग लगी हुई है, उनको दिखा दिया उन्होंने जब कहा, तो वो गलत साबित हो गए। वो कह रहे हैं एक ही थी और कहाँ है, ये दूसरी गाड़ी आ गई है। तो वो कह रहे हैं सर आपको कितने रिकॉर्ड्स में दिखाऊं, आपको एक तो मैंने दिखा दी, आपकी बात तो गलत सिद्ध हो गई, अब आप ये कैसे मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं सारा अपना कंपनी का डाटा आपको खोल के दिखाऊं किसकी बुकिंग लगी है, ये क्या है। तो ये कहने का मतलब है कि ज़बरदस्ती जो आप वीडियो बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, चोर चोर कह रहे हो, किसी को हैरेस कर रहे हो, ये बहुत गलत है। और XUV 700 जैसी गाड़ी आपने बुक की, आपको वेट करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी गाड़ी के डिमांड में है और सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज चल रही, तो वेटिंग तो थोड़ी होगी। और मैं कहता हूँ 1% लोग गलत भी हैं शोरूम वाले, तो आपने जो बदतमीजियाँ कर दी, आपने जो वीडियोस बना दी, आपको आपने उन्हें चोर चोर और क्या क्या चीज़ें कह दी, घूसखोर, रिश्वतखोर, तो आप भी सेम बीच पे आ गए, अब आप क्या कर सकते हो। और आपने कहीं ना कहीं गलत किया, मेरा मानना यह है, मैं नहीं समझता इस केस में शोरूम वाले दोषी हैं, जो मैंने देख के मुझे समझ में आ रहा है। तो ये कुछ मेरा सोचना था इसके बारे में। आप सब अपना ध्यान रखें और हमें जो भी है प्यार से, ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। हाँ, गलत है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, बट एक तरीका होता है, सिविलाइज समाज में रह रहे हो, गुंडागर्दी करनी है तो वो लोग भी कर सकते हैं, बट आप कहीं ना कहीं गलत हो के ऐसा कर रहे हो, तो ये मुझे नहीं समझ आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।